हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक गांव टंडा हेड़ी के पास एक खेत में शुक्रवार को एक महिला और एक पुरुष के कंकाल मिले हैं। दोनों के शवों को जलाया गया था। पुरुष का शव कुछ कम जल पाया था। अनुमान के अनुसार दोनों के शव करीब 15 दिन पुराने हैं। दोनों में से किसी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ओनर के लिंग को ध्यान में रखकर भी मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार की सुबह किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को गांव टंडा हेड़ी के खेत में जाखोदा रोड के साथ नर कंकाल पड़ा होने की सूचना दी। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार की अगुवाई में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एक कंकाल सड़क से 8-10 मीटर हटकर खेत में पड़ा मिला। लाश को कुत्तों ने नोच खाया था और वे कंकाल को भी खींचकर सड़क के नजदीक लग ले आए थे। पुलिस ने जांच की तो इस कंकाल के घिसटने के रास्ते से पुलिस ने सरकंडों के खेत में सर्च अभियान चला दिया। इस पर सरकंडों में ही एक और लाश मिली। ये लाश करीब 150 फुट दूर मिली। मामले की जांच सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार कर रहे हैं। शवों कंकालों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ से शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, उप पुलिस अधीक्षक राहुल देव और अरविंद दहिया, क्राइम ब्रांच शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज ने घटनास्थल पर जांच कार्य में सहयोग किया। एफएसएल टीम ने कई घंटे तक काम करके घटनास्थल से सबूत जुटाए। पहचान के लिए दोनों शवों को 72 घंटे तक नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ के शव गृह में रखा जाएगा। सड़क के पास मिली लाश महिला की और सरकंडों के खेत में मिली लाश के पुरुष की होने की अनुमान लगाया गया है। मृत पुरुष का शरीर पूरी तरह नहीं जल पाया था और कुत्ते उसके पूरे मांस को भी नहीं नोच खाए थे। उसके शरीर पर कुछ कपड़े भी थे। उसके बाल भी पूरी तरह से नहीं जल पाए थे, जिसे पुलिस ने उसके पुरुष होने का अनुमान लगाया है। घटनास्थल से महिला की चप्पलें और गले का एक लॉकेट मिला है। इस लॉकेट पर अंग्रेजी में BJ लिखा हुआ है। एक जोड़ा मर्दाना सैंडल भी नजदीक ही पड़ी मिली है। मौके पर मिली सभी हड्डियों, कपड़ों और अन्य सभी सबूतों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दो खाली बोतलें मिली हैं जो पेट्रोल, डीजल या केरोसिन की हो सकती हैं। हो सकता है कि हत्यारों ने उस ईंधन का इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया हो। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए आसपास के थानों से गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ऑनर किलिंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए छानबीन की जा रही है। पुलिस टंडा हेड़ी के ग्रामीणों से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटनास्थल पर खड़े हो सरकंडों में आग कब लगी थी। इसके अलावा शवों को 12 से 15 दिन पुराना मानते हुए उस अवधि में घटनास्थल के आसपास हुई मोबाइल कॉल्स की डंप भी खंगाले जाएंगे।